नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बात। आइए, डेथ के केस में प्रॉफिट कैलकुलेशन में एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 53, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी तीन बंदे हैं, रेशियो दे रखा है 2:1 का। बी डाइड, बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2019 को, इनकी अप्रैल मई जून, बंदा 3 महीने जिंदा रहा था। अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च ईच ईयर, मतलब बंदे 31 मार्च को हमारे खाते खत्म होते हैं। सेल फोर्थ ईयर 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल 31 मार्च 2019 की बात कर रहे हैं। पिछले साल की सेल दे दी 3 लाख रुपए, सेल दे दी 1 लाख रुपए, सेल्स रुपीज 1 लाख, अमाउंटिंग रुपीज अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 30 जून। देखो कह रहे जो सेल दे रही 1 लाख की, वो 1 अप्रैल 30 जून, मतलब 3 महीने जो बंदा जिंदा रहा था ना, उन 3 महीने की सेल दे दी। एक जो पिछले साल की सेल दे दी और 3 महीने जिंदा रहने वाली सेल दे दी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पिछले साल का आपको प्रॉफिट दे दिया। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर प्रॉफिट, मतलब पहले मरे बंदे का प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। देखो मेरे बेटा, पहले तो आप एक दिल्ली बात समझ लो, इलस्ट्रेशन नंबर हम कौन से करने वाले मेरे बेटा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 53। एक बात समझना मेरे बेटा जी, एक बात इतनी से समझ लो यहाँ पर कि हमें क्या दे दिया है, सेल दे दिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ 31 मार्च 2019 की, एक तो लास्ट ईयर की, और आपको प्रॉफिट भी दे दिया इसी डेट का 31 मार्च 2019 का। आपको सेल दे दी 3 लाख रुपए की और आपको प्रॉफिट दे दिया है 30,000 रुपए का, क्लियर है? दूसरी बात, आपको सेल दे दी है 1/4/19 से लेके 30 जून 2019 तक, यानी 3 महीने की, 3 महीने की सेल दे दी आपको 1 लाख रुपए की, जितना समय तक बंदा जिंदा रहा। तो आपको करना क्या है, आपको जो 3 महीने बंदा जिंदा रहा इस टाइम की, इसी पीरियड की क्या निकालना है, प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। आसान है, कैसे निकालोगे भैया? 3 लाख पिछले साल की सेल 3 लाख थी, 3 लाख की सेल में 30 का प्रॉफिट कमाया तुमने, इतनी सेल में इतना प्रॉफिट, तो 1 लाख की सेल में कितना प्रॉफिट होगा? बहुत आसान है, 1 लाख × 30 / 3 लाख। भाई 3 लाख में 30 है तो 1 लाख में कितना निकलेगा, 10,000 का प्रॉफिट। या वो प्रॉफिट कितने महीने का, 3 महीने, जितने टाइम बंदा जिंदा रहा। इनमें 3 महीने बारह मत कर देना, जब 3 महीने की सेल ले रहे हो तो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही आएगा। अब सवाल ये आता है कि पीएम सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास हो, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास होगी या G2S की एंट्री पास होगी, डिपेंड करता है रिलेशनशिप चेंज हो रही है ना हो रही है। इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोला ना है, ए बी सी तीन बंदे हैं, रेशियो देते 2:1 का, ठीक है ना, बी की डेथ हो जाती है तो मानेंगे रेशियो 1:2:1 है, बी की जाने के बाद 2:1 का रेशियो बचेगा ए और बी में, यानी कि ए और बी की रिलेशनशिप पहले और बाद में ओल्ड और न्यू सेम थी। तो क्या करना, सीधा बी का प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, बी इज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे भैया, 3 महीने का प्रॉफिट 10,000 था और बी का शेयर कितना मेरे बेटा जी, 2/5, कितना निकल जाएगा 4,000, और सीधा एंट्री ठोक दो मेरे बेटा जी, क्या पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू बी इज प्रॉफिट, सॉरी बी इज कैपिटल अकाउंट, क्लियर है? होप्स आप समझ में आए होंगे क्वेश्चन, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें, और इस चैप्टर को डीप सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। आज के धन्यवाद, टाटा, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।